विवेक ओब्रॉय ने 20 साल बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। विवेक ओब्रॉय ने बातों ही बातों में ऐश्वर्या पर उनका करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, विवेक ओब्रॉय और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप किसी से छुपा नहीं है। दोनों का ब्रेकअप खूब सरसा में रहा था। कहा जाता है कि दोनों के अलग होने की वजह ऐश्वर्या के एक्स बॉयफ्रेंड सलमान खान थे। वही अब सालों बाद विवेक ओब्रॉय ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। करीब 20 साल बाद उन्होंने बताया कि कैसे इस ब्रेकअप ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया था। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में विवेक ने अपने इस बुरे दौर के बारे में बात की है। उन्होंने सलमान खान का नाम लिए बिना ही कहा कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब इंडस्ट्री के कई पावरफुल लोग उनके करियर को बर्बाद करना चाहते थे। विवेक ने बताया कि उस वक्त उनकी एक बड़ी फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला आई थी, जिसमें उनकी काम की खूब तारीफ हुई और उसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला, लेकिन उसके बाद भी उन्हें किसी ने काम नहीं दिया। वो एक डेढ़ साल तक घर में बैठे रहे। वही जब विवेक से पूछा गया कि क्या ऐश्वर्या की वजह से उनके करियर पर बुरा असर पड़ा है, तब विवेक ने कहा कि मैं इस पर कुछ भी कहना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं बाकी सभी लोगों को ये जरूर अलर्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो किसी और की वजह से उसे बर्बाद ना करे। अगर आपका पार्टनर आपके प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत ला रहा है तो ये गलत है। बातों ही बातों में विवेक ने ये जता दिया कि ऐश्वर्या की वजह से उनके करियर में बहुत दिक्कतें आई। फिलहाल इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर दे और ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।